हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और मैंने आपको पोटेंशियल से पहले भी सारी चीज़ें बताई थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है, जो मेन पार्ट होता है आप समझ सकते हैं इस चैप्टर का। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब पहले चीज़, आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ना। आप सब ऑलरेडी जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, लेकिन फिर भी कई लोगों को डेफिनेशन बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि डेफिनेशन क्या होगा आखिर इसका, है ना। अब एग्ज़ाम में तो डेफिनेशन ही पूछेगा, और डेफिनेशन अच्छे से लिखेंगे तभी मार्क्स मिलने वाला है। तो देखिए डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग, अ कंटिन्यूस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, है कि नहीं। चलिए मैं लिख भी देता हूँ साथ में, अ कंटिन्यूस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड अदर रेसिस्टेंसेस, ठीक है। और अदर रेसिस्टेंसेस क्या होता है, ये हम लोग रेसिस्टेंस क्या होता है बाद में बताऊंगा। अब रेसिस्टेंस में यहाँ पे खुद भी मैं लिख देता हूँ कि लाइक लैंप्स, लैंप लगा हुआ है या बल्ब लगा हुआ है, या फिर और कुछ बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है वो सारी कुछ लगी हुई है ना। बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी अलोंग अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज। मतलब कि बात ये हो गया कि बैटरी है, सपोज उस बैटरी के दोनों तरफ समझिए कि दो बैटरी है, और एक तरफ से दूसरी तरफ उसको कनेक्ट किया है एक वायर से। उस वायर के बीच में कुछ कुछ चीज़ें जो कनेक्टेड है, रेसिस्टेंसेस, जैसे कि एक बल्ब कनेक्टेड है, लैंप कनेक्टेड है, फैन कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें दोनों बैटरी के बीच के कनेक्शन में वो है ना, जो वायर से वो कनेक्टेड है। तो पूरा पाथ जो कहलाएगा एक बैटरी से दूसरे तक का, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। ओके, अगर आपको डायग्राम से देखना है कैसा कैसा दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को दिखा देता हूँ अभी कि देखिए, जैसे यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, सेल कनेक्टेड है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, ठीक है, छोटी साइड माइनस, बड़े वाले साइड प्लस, यहाँ से निकला, ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, इधर ऐसे, फिर इधर। अब जैसे मान लो यहाँ पे कुछ कनेक्ट कर दिया, फिर आगे ऐसे गया, यहाँ पे कुछ और कनेक्ट कर दिया, फिर आगे ऐसे गया, फिर वापस, देखो ये पूरा कनेक्शन हो गया। अब जैसे यहाँ कुछ भी बोल सकते हो, ये मैंने इसे बोल दिया कि अमीटर है। अब आपको लग रहा होगा अमीटर क्या होता है, तो मैं अमीटर के बारे में भी बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, कि उससे हम लोग करंट को मापते हैं इन सीरीज, ठीक है। ये यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया मैंने, रेसिस्टर लगा दिया, एक रेसिस्टर बहुत टाइप का हो सकता है, जैसे कि लैंप वैम्प कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी कुछ कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो इस प्रकार का कुछ भी एक सर्किट इलेक्ट्रिक हो सकता है। समझ रहे आप इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट आपने देखा क्या होता है, अब अपने देसी भाषा में देखें तो एक कनेक्शन जो आपको वायर सब दिखते रहता है वही क्या है, पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक जगह से स्टार्ट हुआ दूसरी जगह तक चला गया है ना, जैसे यहीं पे देखो ये प्लस से स्टार्ट हुआ माइनस तक आ गया, बीच में बहुत सारी चीज़ें करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से क्या पता इसमें कुछ चेंजेस आए, क्या पता वो चले या पंखा घूमे। समझ रहे आप इस चीज़ को, तो आगे बढ़ते हैं। अब दो टाइप के सर्किट होते हैं वैसे, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है। चलिए लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ सर्किट में, टाइप्स ऑफ सर्किट, पहला ओपन सर्किट, दूसरा क्लोज सर्किट। अब देखिए ओपन सर्किट क्या होता है, अब ओपन सर्किट क्या होगा कि कोई भी एक ऐसा
सर्किट है जिसके थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अभी फिलहाल फ्लो अगर नहीं हो रहा है, एक ऐसा सर्किट है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक ओपन सर्किट बोलेंगे, है ना। और ये भी बोल सकते हैं कि कहीं से भी कोई भी एक कनेक्शन है, उसमें कहीं पे एक ब्रेक आ गया, हमने ब्रेक कर दिया, एक वायर को काट दिया, तो वायर को काटने की वजह से क्या हो गया, आगे उसके करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, तो वो क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया। और वही क्लोज सर्किट क्या होगा? आप खुद बोल सकते हैं कि जिसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहे वही क्या कहलाएगा? क्लोज सर्किट कहलाएगा, है कि नहीं? तो ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, अब आप समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक है। आगे, अब जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया कि सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल मैं आपको बताता हूँ जिसको आगे जो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। पूरा ये सब आपको याद रखना है कि हाँ ये सिंबल होता है, क्योंकि आगे वो सब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि पहला जो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, सेल, पहले क्या था? सेल था। सेल मतलब क्या हो जाता है? बैटरी। अब अभी तत्काल के लिए समझिए कि सेल मतलब एक पार्ट ऑफ बैटरी हो गया, मतलब एक छोटा सा पार्ट ऑफ बैटरी हो गया, जैसे ये ऐसे ऐसे, यहाँ माइनस, इधर प्लस, जैसे छोटा उधर माइनस, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। दूसरा, मैंने सेल की बात की है तो चलो बैटरी की बात भी करते हैं कि बैटरी, अब आप, मैंने क्या बताया था, सेल को छोटा सा पार्ट बैटरी का, तो तीन चार ऐसे कनेक्ट कर दियो, चलो ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, दो सेल को कनेक्ट कर दिया ऐसे, वो क्या बन गया? एक बैटरी बन गया, है कि नहीं। थर्ड, और सिर्फ कनेक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? कनेक्टिंग वायर को करना है तो कैसे करेंगे? कनेक्टिंग वायर के लिए एक सीधा लाइन, ये कनेक्टिंग वायर हो गया। या फिर दूसरा एक और, वायर जॉइंट, समझते हैं जॉइंट जैसे करते हैं ना, तीन तरफ चला जाता है वायर, उसको कैसे करेंगे? सॉरी, ऐसे, ये क्या हो गया? अब वायर जॉइंट हो गया, ठीक है। एक और पॉइंट देखते हैं, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखिए, मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट समझ रहे हैं ना, कि एक वायर है, अब इसके ऊपर से दूसरा वायर गुजारना है, तो कैसे करेंगे? अब खुद समझदार हैं कि ऐसे आएगा, ऐसे करके उसको गुजार देंगे, है ना। ये क्या हो गया? विदाउट कॉन्टैक्ट वायर क्रॉस कर रहे हैं, है ना। वैसे ही और हो सकता है कि फिक्स्ड रेसिस्टेंस क्या होता है, फिक्स्ड रेसिस्टेंस, या उसी को हम लोग रेसिस्टर भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टर बोलते हैं। उस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ बहुत काम की चीज़ है, आगे बहुत यूज़ करेंगे, तो ये याद रखना है आपको। एक और, एक दो और मैं सारे लिख ही देता हूँ, मैंने स्टार्ट किया है तो। या फिर फिक्स्ड रेसिस्टर हो गया, एक टर्म होता है वेरिएबल रेसिस्टर, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या यूज़ होता है, वो सब हम लोग फिलहाल नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। हम लोगों को भी सिर्फ फिक्स्ड रेसिस्टेंस की की ज़रूरत है, हम लोग वही देखेंगे। वेरिएबल जो रेसिस्टर होता है उसके बारे में देखेंगे बाद में। या इसी को एक और नाम बोला जाता है, रेजिस्टेंट, क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अभी हम लोगों को ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आठवां, इसके बाद हो सकता है कि आपको पूछा जाए अभी क्या यूज़ किया था, और मैंने अमीटर, अमीटर क्या होता है, अमीटर को कैसे करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जनरली, वो ऊपर मैंने अलग तरीके से किया था, वैसे जनरली अमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नाइन्थ, अमीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर भी होगा, वोल्ट मीटर से आप खुद नाम से समझ गए क्या हम लोग देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस उसे मेजर करेंगे, ये ऐसे वी से करेंगे उसे। टेंथ, गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसको गैल्वेनोमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि गैल्वेनोमीटर सर होता क्या है, तो गैल्वेनोमीटर ये होता है कि कोई भी एक सर्किट है, उस सर्किट में करंट है या नहीं है, करंट का प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है क्या गैल्वेनोमीटर, करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर, है कि नहीं।
और हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था ओपन सर्किट के बारे में, एन ओपन सर्किट ये कैसा दिखेगा, ऐसे ओपन कर देंगे कहीं पे, ऐसे खोल देंगे उसे, है ना, वायर काट दिया उसको, या फिर उसको ऐसे भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट, समझ रहे हैं, ऐसे वायर यहाँ पे काट दिया, ठीक है। 12th, अ क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट आप खुद भी समझ सकते हैं कि ऐसे ओपन था बाद में क्लोज कर दिया, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दिया, वैसे उसकी ज़रूरत बहुत कम ही पड़ेगी, ठीक है। ऐसे अगर करना है तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बस इतना ही, और कभी कभी आपको ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा दिखेगा, तो इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और भी बेटर तरीके से हो सकता था, बट फिलहाल आप समझ गए होंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट, ठीक है, बस वही बताता है अपने को। और एमीटर क्या होता है, कि एमीटर, एमीटर भी एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ये मापता है कि कितना करंट है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट को एम्पियर, जो एम्पियर में होता है वो किसके थ्रू देखते हैं हम लोग, एमीटर के से पता करते हैं। और वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, है कि नहीं। तो ये सब आपको समझ सकते हो, ये सब याद रख सकते हो, उनका डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उसकी यहाँ पे उतनी कुछ खास ज़रूरत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ क्या होता है। देखो ओम्स लॉ क्या होता है, अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी करंट जो पास हो रहा होता है किसी कंडक्टर से, कोई भी करंट जो पास हो रहा होता है किसी कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, समझ रहे हैं आप, करंट जो फ्लो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस यही स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और आपको ये भी यहाँ पे कंसिडर, कई लोग बोल सकते हैं कि सर अगर टेम्परेचर सब चेंज हो गया तो वहाँ पे ये करना पड़ेगा अपने को कि टेम्परेचर हो या फिर कोई भी चेंजेस वहाँ पे ना आए, सब वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर लिखना चाहे हम लोग, तो पहले तो मैं आपको स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इसका स्टेटमेंट क्या बोला मैंने, इट स्टेट्स दैट दी करंट पासिंग थ्रू, करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल, टू दी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अक्रॉस इट्स एंड्स, मतलब दोनों जो स्टार्ट कहीं से हुआ और ख़त्म कहीं भी हुआ, तो अक्रॉस एंड्स जो उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, टोटल उसमें जो करंट कितना फ्लो होगा वो, समझ रहे आप इस चीज़ को। अब इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आई मीन्स करंट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही है। अब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आपने ये सोचा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी आपने पहले भी इससे पहले लिखा होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की में हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के, तो वी इक्वल टू क्या लिख दूँ, तो लिखूंगा यहाँ पे आई आर, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वो क्या होता है, आर रेसिस्टेंस, मीन्स ये बोल सकता हूँ कि जो कोई भी सर्किट है, किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उनके बीच का रेसिस्टेंस और
कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ से ये बोल देंगे कि रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय आई, समझ रहे हैं। यहाँ से क्या पता चला कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके और रेसिस्टेंस कितना है उसके अंदर उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो ये मेन होता है ओम्स लॉ जो आपको याद रखना है। तो R इक्वल्स टू वी बाय आई जो होता है ना मेन, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ कौन सा रिलेशन परफेक्ट एक्चुअल वाला ओम्स लॉ है, तो आपको ये स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छे से बोलना है कि R इक्वल्स टू वी बाय आई जो है दिस इज रेफर्ड टू एज ओम्स लॉ। ठीक है, क्योंकि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, क्या उनते जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ये डिस्क्लोज किया था, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि R इक्वल्स टू वी बाय आई होता है। तो R इक्वल्स टू वी बाय आई को हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे और भी एक दो बात मैं आपको बोल दूँ कि ये बात तो क्लियर है कि करंट आई जो है, जो करंट आई है वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या है, प्रोपोर्शनल है। आई जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। और बीच के जो रेसिस्टेंस होते हैं, जो बीच का रेसिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा उस पर पूरी तरह वो भी डिपेंड करेगा कि बीच का जो भी रेसिस्टेंस है वो उस पर रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा कि करंट कितना होने वाला है। समझ रहे हैं आप इन चीज़ों को। और अगर V कांस्टेंट हो गया, सपोज़ V को मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो V अगर कांस्टेंट हो गया, इस चीज़ को ध्यान से देखना, V अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर करंट I जो होगा वो रेसिस्टेंस के, जो रेसिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बस ये मैं स्टार्टिंग से तब से बोलना चाह रहा था कि अगर V, पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, सही बात है, लेकिन अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया, एक कांस्टेंट बना दिया, मतलब वो उसे फिक्स कर दिया, तो उस केस में करंट आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो इस चीज़ को मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को अगर मैं ग्राफ से दिखाऊं तो और बेटर आपको आइडिया मिलेगा कि ये रहा ये रहा। ठीक है, ये रहा ये रहा, मैंने बोला कि इधर करंट है और इधर पोटेंशियल डिफरेंस है। इधर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और अमाउंट कुछ भी लेते हैं कि जैसे ये आई है, ये टू आई है, ये थ्री आई है, ये फोर आई है, ये वी है, ये टू बी है, थ्री बी है, मतलब थ्री वोल्ट फोर वोल्ट ऐसे है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हैं आप, पॉइंट्स अगर लेना स्टार्ट करें तो आप लेके देखना, ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, सारे पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। तो जो भी अगर कभी भी आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि इसी ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप आप समझते हैं टैन थीटा, इसी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, वो स्लोप हम लोगों को बताएगा कि उसका रेसिस्टेंस कितना है। वो स्लोप क्या बताएगा, वो बताएगा कि रेसिस्टेंस कितना है। आप इस चीज़ को सोचिएगा कि आखिर स्लोप ही रेसिस्टेंस क्यों बताएगा, क्योंकि स्लोप यहाँ पे क्या होगा, टैन थीटा क्या होता है, किसी भी पॉइंट का रेसिस्टेंस आप देखोगे तो टैन थीटा क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, वी, और बेस जो है वो क्या होगा, आई, तो वी बाय आई, यही तो रेसिस्टेंस होता है, समझे। तो स्लोप क्या होता है, टैन थीटा, तो किसी भी इस पॉइंट का मैंने लिया था, इस पॉइंट का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, या रेसिस्टेंस जानने दीजिए, इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट का स्लोप होगा टैन थीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये बाय ये, है कि नहीं। और ये क्या था, देखो वोल्ट था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और नीचे ये क्या था, करंट, तो डिवाइड बाय आई, तो देखिए ये यही क्या था, ऊपर से स्लोप भी था। तो किसी भी ग्राफ के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ होता है, उस ग्राफ का जो स्लोप, पहली बात वो एक स्ट्रेट लाइन होगा,
और उसका जो स्लोप होगा वही क्या उसका बताएगा, रेसिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी होता है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप ये चीज़ को कैसे दिखाओगे, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, वो वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपके पास लैब हो तो। उसमें क्या जा सकता है कि एक कनेक्टिंग वायर से कुछ बैटरी को कनेक्ट करके बीच में कुछ वोल्ट मीटर और मीटर भी कनेक्ट करेंगे हम लोग, और कोई भी एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, है ना। तो उसके थ्रू अगर देखा गया तो पाया गया कि रेसिस्टेंस जो आया था उसका वैल्यू जो आया था वो वी बाय आई आया था, है ना। और वहाँ पे एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा दिया। वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है, जो रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, क्या नाम दिया था, रियोस्टेट बताया था मैंने। तो रियोस्टेट लगाने पे क्या होगा कि जिस जिस तरह से आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते जाओगे और उसमें करंट चेंज होता रहेगा, उस प्रकार से जो उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो चेंज होता रहेगा। और उसका क्या रिलेशन वहाँ पे फॉलो होगा, आर इक्वल्स टू वी बाय आई। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू भी ये चीज़ को डिफाइन किया जा सकता है ना, किया गया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस की बात हो रही है, तो रेसिस्टेंस के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया कि रेसिस्टेंस क्या होता है, वी बाय आई होता है। किसने ये सब कुछ बताया था हम लोगों को, ओम ने बताया था, है ना, मैंने वो साइंटिस्ट के बारे में बताया। तो रेसिस्टेंस इक्वल्स टू अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट मिला। तो थोड़ा सा और रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेसिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, है ना, आर इक्वल्स टू वी बाय आई। और इसके बारे में मैंने और भी क्या बताया कि वो स्लोप होता है उसका, अगर यहाँ पे जो स्लोप था वो होता है। तो यहाँ से यूनिट क्या बताओगे आप, यूनिट उसका बता सकते हो एसआई यूनिट ओम। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो मैं लिखता हूँ एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। अब ओम को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे, थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ मैं, ऐसे, इस तरह से ओम को रिप्रेजेंट मीन्स सिंबलाइज किया जाता है। ये सिंबल से हम लोग एक ओम को दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे कई ओम का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है कि बताओ ओम का डेफिनेशन क्या होगा। तो ओम का डेफिनेशन क्या बता सकते हैं, याद कीजिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक जूल का, जूल्स के बाद एम्पियर पढ़ा था, उन सब चीज़ों का आपको मैंने डेफिनेशन बताया था। तो यहाँ भी वोल्ट का मैंने बताया था, तो यहाँ भी ओम का डेफिनेशन भी वैसे ही कुछ डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड अ करंट ऑफ वन एम्पियर, करंट ऑफ वन एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, देन रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी वन ओम। समझे आप क्या बोला मैंने, कि रेसिस्टेंस वन ओम का डेफिनेशन इफ वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मतलब वी भी मैंने यहाँ पे वन ले लिया, आई भी वन ले लिया, उसको डिवाइड करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या आएगा, वन ओम ही आएगा ना। तो वही उसी चीज़ को लिख देंगे हम लोग, वी वन ले लेंगे, आई वन ले लेंगे, कि वन, व्हेन वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, ठीक है, टू द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड करंट भी कितना लिया था, वन, एंड करंट ऑफ कितना, वन एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, देन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी वन ओम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सुन के ही आप ये चीज़ें लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप ये चीज़ लिखिए कि ओम का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार आपने देखा होगा मैं यूज़ कर रहा था टर्म कंडक्टर, बार बार यूज़ किया, तो कंडक्टर आखिर किसी के मन में सवाल आ सकता है, कंडक्टर सर होता क्या, बार बार यूज़ तो कर रहे हो तो होता क्या कंडक्टर। तो कई लोगों को पता भी होगा कि एक ये सी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, तो जो इनका रेसिस्टेंस पावर होता है उस पे आधार करके कुछ सब्सटेंसेस को डिवाइड किया गया है कि कुछ टाइप्स में, कि कुछ को कंडक्टर बोल दिया गया, कुछ को रेसिस्टर्स बोल दिया गया, कुछ को इंसुलेटर्स बोल दिया गया, है कि नहीं। तो कंडक्टर्स क्या होता है, मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, कंडक्टर्स रेसिस्टर्स एंड इंसुलेटर,
एंड इंसुलेटर्स। देखो क्या होता है, पहला कंडक्टर। कंडक्टर होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसका जिसके अंदर लगभग नहीं के बराबर वेरी लो रेसिस्टेंस पावर होता है, जिसके अंदर बहुत लो रेसिस्टेंस पावर होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। मींस और दूसरे भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे पूरी तरह से फ्लो करने का मतलब अलाउ करता है, वो कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो सकता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसके अंदर कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अब इसका एग्जांपल खूब समझ गए होंगे आप, क्या क्या हो सकता है कंडक्टर, क्या क्या चीज़ें कंडक्टर हैं, है कि नहीं। तो और जैसे कि आप खुद सोचो एग्जांपल क्या, जैसे कि जो मेटल लगभग होते हैं, सिल्वर के मेटल हो गए, तो सिल्वर मेटल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब अच्छे कंडक्टर कहलाते हैं। वैसे इन सब में सबसे बेस्ट अगर पूछा जाए तो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर। तो चलो इसका डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ कि दोज सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। या फिर यहीं पे मैं और ऐड कर देता हूँ, यहीं पे और मैं ऐड कर देता हूँ कि अ कंडक्टर अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट वेरी ईजीली। ठीक है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर एल्यूमिनियम, सिल्वर आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, और यहीं पे ये भी लिख देता हूँ कि सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर, मीन्स उससे सबसे अच्छे से करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टर की बात है। अब दूसरा क्या था, रेसिस्टर। अब रेसिस्टर्स क्या होता है, अब नाम से ही रेसिस्ट करने वाला हो गया कि थोड़ा वो तो रेसिस्ट करेगा ही। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसका रेसिस्ट करने का क्षमता एज कंपेयर टू कंडक्टर्स कम हो, है ना, एज कंपेयर टू कंडक्टर क्या हो, कम हो। और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया कि रेसिस्ट करने का क्षमता कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा हो, है कि नहीं। रेसिस्टर ऑफकोर्स नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कंडक्टर में कुछ रेसिस्ट पावर बिल्कुल भी नहीं था। रेसिस्टर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रेसिस्ट करके वो करंट को फ्लो करने देगा, मतलब इजीली उससे करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, रेसिस्टर्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेसिस्टर्स कहेंगे। जैसे कि चलिए मैं लिख देता हूँ, दोज सब्सटेंसेस विच हैव कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस आर कॉल्ड रेसिस्टर्स। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल आपको चाहिए तो मैग्नीन एक चीज़ होता है, निक्रोम एक चीज़ होता है, ये चीज़ें इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कह होती हैं। जैसे आपका चलो एग्जांपल लिख देता हूँ, आपने सुना होगा एक टर्म होता है निक्रोम या फिर मैग्नीन,
ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है हम लोग, रेसिस्टर्स होती है, ठीक है, इन सब में बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है। तो सो जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो भी बनते हैं ना, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जिसमें अगर कभी हाई रेसिस्टेंस की ज़रूरत हो किसी चीज़ों में, तो जनरली ये निक्रोम, मैगनीन, इन चीज़ों की का वहाँ पे यूज़ किया जाता है कि नहीं? और समझ रहे हैं आप? तो एक और चीज़ हो गया कि अब आप खुद ही सोचिए कि कहीं पे किसी इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसमें कंडक्टर लगा हुआ है, तो वो करंट को कम करेगा क्या? मतलब रोकेगा? बिल्कुल नहीं रोकेगा। रेसिस्टर क्या करेगा? रेसिस्टर क्या करेगा? करंट जो उसका प्रवाह होता है, जो करंट होगा उसको थोड़ा सा फ्लो कम कर देगा, है कि नहीं? उस फ्लो को वो क्या कर देगा? रेसिस्टर कम कर देगा। बस इतनी सी कहानी है। और थर्ड आप नाम से समझ गए होंगे, इंसुलेटर्स होता है। थर्ड क्या होता है? इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स क्या होता है? रेसिस्टर्स होता था जो थोड़ा सा प्रवाह को कम करे, कंडक्टर होता था जो बिल्कुल प्रवाह में कोई दिक्कत ना आए, इंसुलेटर क्या होगा? जो पूरा ही रोक दे। इंसुलेटर क्या हो गया? जो पूरा ही रोक दे। अब पूरा ही आप समझ सकते हैं, बहुत जैसे प्लास्टिक हो गया जिसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह नहीं हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं हो सकता है, वही क्या कहता है, कहलाता है इंसुलेटर्स कहलाता है। बहुत सी जब प्लास्टिक हो गया या आ, 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 आप खुद ही समझ जाइए, बहुत कुछ जैसे अपनी जैसे बॉडी है, अपनी बॉडी से प्रवाह हो सकती है, थोड़ा सा रेसिस्ट करेगा बट इजीली प्रवाह हो जाएगा। तो ये हम लोग अपनी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो इंसुलेटर बिल्कुल नहीं होता है ना। रबर हो गया, या आप खुद भी सोचिए, ऐसे बहुत सारी वुड हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है? इंसुलेटर्स कहलाती है। अगर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को रोकना हो, बिल्कुल उससे आगे प्रवाह ना होना हो, तो करवाना हो, वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं हम लोग? इंसुलेटर्स का यूज़ करते हैं, है कि नहीं? लकड़ी, वो भी कौन सा? सूखा हुआ। तो चलिए इसका भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। दोज सब्सटेंसेस विच हैव हाई इलेक्ट्रिक, यहाँ ओके, यहाँ भी मैंने कंपेटिवली हाई लिखा था, तो यहाँ पे और अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए, विच हैव कंपेरेटिवली, नहीं कंपेटिवली नहीं करते, इनफाइनेटली, ठीक है, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे वर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, इनफाइनेटली विच हैव इनफाइनेटली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो एक और बात, एन इंसुलेटर इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, है कि नहीं? ये कभी अलाउ नहीं करता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को इसके थ्रू फ्लो होने के लिए। समझ रहे हैं आप? ये चीज़ें आसान है। तो या आज मैंने आपको बताया ये चीज़ों के बारे में, नेक्स्ट डे अब रेसिस्टेंस के बारे में मैं अलग से फॉर्मूला बताऊंगा कि आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए होता है, क्यों वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा रेसिस्टेंस के बारे में और सीखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, उसके थ्रू कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। रेसिस्टिविटी देखेंगे क्या होता है, जो रो रो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये एक फॉर्मूला और देखूंगा बताऊंगा मैं, तो उसमें रेसिस्टिविटी एक टर्म यूज़ हो जाता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और होमवर्क है आपका इस तरह से, आप नोट्स इसका अच्छे से बनाइए, ठीक है। और फिर आगे हम लोग ओम्स लॉ पे भी क्वेश्चंस करेंगे, और कैसे रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ये सब भी देखेंगे हम लोग। ओके, ठीक है, आप इसी तरह पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।